नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। 74वां गणतंत्र दिवस रीवा के एसएफ मैदान में धूमधाम से आयोजित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने झंडा फहराया, मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। इस मौके पर तमाम अधिकारी मौजूद थे। लड़कों का उत्साह की बात भी अधिकारी थी। देखिए हमारी खास। पूरे देश के साथ रीवा में भी 74वां गणतंत्र दिवस पूरे जोश उत्साह उमंग के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुख्य कार्यक्रम रीवा के एसएफ मैदान में आयोजित किया गया, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने झंडा फहराया, मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर जिले भर के सभी प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। विभिन्न विभागों की शानदार झांकियाँ निकाली गईं, जो सबके आकर्षण का केंद्र रही। पूरे कार्यक्रम में सबसे बड़ा आकर्षण छोटे बच्चों के उत्साह उमंग को देखकर अलग ही नजर आया। देखिए कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां। भारतीय गणराज्य के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज जन जन का मन उत्साह उमंग से भरा हुआ है। चारों ओर राष्ट्रीय उत्सव के अद्भुत आनंद की वर्षा हो रही है। ये सुपर सहयोग ही है कि आज के दिन लाल वसंत का धरती पर आगमन हो रहा है। गणतंत्र वसंत का एक साथ आगमन है। हम सब के संदेश है कि प्रकृति के साथ प्रगति ही हमारा जीवन मंत्र होना चाहिए। वसंत पंचमी की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश हमारा संविधान जनता की ताकत तो है ही, जीवन की ताकत भी है। न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा, एकता, अखंडता, सद्भाव, समरसता, कर्तृत्व और संपूर्ण प्रभु
का ये केवल शब्दकोष के शब्द नहीं बल्कि भारत के संविधान की आत्मा है। भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि एक कीर्ति जानती भाव यात्रा है जहाँ एक आजादी का अमृत महोत्सव वर्तमान के गौरवशाली वैभवशाली भारत का प्रतीक है वहीं दूसरी ओर आजादी का अमृत काल एक नए सशक्त संपन्न भारत के निर्माण का प्रतीक है। जनगण के जयघोष के साथ आजादी के अमृत काल का संकल्प निश्चय अद्भुत है अभूतपूर्व है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने वर्षों पहले कहा था महान दिशा का अंत निकट है। स्वामी जी की भविष्यवाणी को आज विश्व के सर्वमान्य नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सही अर्थों में चरितार्थ कर रहे हैं। ये उन्हीं की विजनरी सोच और नीतियों का परिणाम है कि भारत विश्व की नेतृत्वकारी भूमिका निभाता एक बार पुनः विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। एक धरती एक परिवार एक भविष्य की थीम पर जी संकीत समूह की अध्यक्षता भारत के माध्यम से विश्व बंधुत्व विश्व शांति विश्व कल्याण के लिए एक नए युग का प्रारंभ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र ही G20 की अंतर्निहित शक्ति बन गया है। मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य विषय की विशेष G20 थिंकर्स बैठक सहित समूह की कुल 8 बैठकें प्रदेश में आयोजित हो रही है। मध्य प्रदेश का दिल देश का दिल तो पहले से है अब दुनिया की धड़कने भी बन गया है। हाल ही में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तथा विशेष G20 थिंकर्स कार्यक्रमों की ऐतिहासिक सफलता ने ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।